हाय एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन पैरेलल कोर्सेज 1 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे वन ऑफ द मैम कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा गया था इन 3 पार्ट्स। तो इसके जो पहले 2 पार्ट्स थे वो बेस्ड है पैरेलल कोर्सेज 1 पे, एंड जो लास्ट पार्ट था दैट इज द 3rd पार्ट, वो बेस्ड है पैरेलल कोर्सेज 2 वाले क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पहले के 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, द लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे। तो अगर आपको नहीं पता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ कोडिंग को रेफर कर सकते हैं, जहां हमने एक सिंपल वे में समझाया है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होती है, एंड इस पे बेस्ड एक इजी लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज आपके पास कुछ कोर्सेज गिवेन है एंड सम ऑफ द कोर्सेज जो है वो दूसरे कोर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कोर्स नंबर 3 है वो 1 और 2 पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि 3 आप तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाए। इन सिमिलर फैशन आप कोर्स नंबर 5 को नहीं अटेम्प्ट कर सकते जब तक आपके 3 एंड 4 कंप्लीट नहीं होते। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये था कि आपको मुझे ऑर्डर बताना है इन विच आई शुड अटेम्प्ट ऑल दीज कोर्सेज ताकि मेरे सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएं। सो यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मैं देख लूंगी कि किनकी इन डिग्री सबसे पहले 0 है, तो 1, 2 एंड 4 की इन डिग्री 0 है। तो सबसे पहले मैं ये कोर्सेज अटेम्प्ट करूंगी 1, 2 एंड 4। इसके बाद किसकी इन डिग्री 0 हो जाएगी, 3 की इन डिग्री 0 हो जाएगी, तो फिर मैं 3 अटेम्प्ट करूंगी, एंड आफ्टर दैट 5 की इन डिग्री भी 0 हो जाएगी, तो फिर मैं 5 अटेम्प्ट करूंगी। सो दिस इज माय टोपोलॉजिकल ऑर्डर इन विच आई शुड अटेम्प्ट दी कोर्सेज। ओके, दिस इज नॉट यूनिक एज वी ऑल नो। इसी पे एक क्वेश्चन था कि अगर टोपोलॉजिकल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है तो आपको मुझे -1 रिटर्न करना है इफ टोपोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। अगर टोपोलॉजिकल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है तो आपको मुझे -1 रिटर्न करना है। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि 1 जो है वो 3 पे डिपेंड करता है, 3 जो है 2 पे डिपेंड करता है, एंड 2 इन सिमिलर फैशन अगेन 1 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रही है, इसलिए यहाँ पर टोपोलॉजिकल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमको आंसर -1 देना है, राइट। सो दिस कंक्लूड्स योर पार्ट नंबर 1 विच इज सिंपली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो सेकेंड पार्ट में मुझसे ये पूछा गया है कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स टू कंप्लीट ऑल दीज कोर्सेज। ओके, और एक चीज मुझे गिवन क्या है, गिवन है कि इन वन सेमेस्टर आई कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ कोर्सेज। मतलब कि मेरे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक सेमेस्टर में मैं 3 या 4 ही कोर्सेज ले सकती हूँ, मैं कितने भी कोर्सेज ले सकती हूँ। ओके, तो एक ही एग्जाम्पल है, एक इस एग्जाम्पल में मैं पहले सेमेस्टर में सिर्फ कोर्स 1 लेती हूँ, दूसरे सेमेस्टर में कोर्स 2 लेती हूँ, तीसरे सेमेस्टर में सिंस कोर्स 1 एंड कोर्स 2 कंप्लीट हो चुके हैं तो 3 की अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अब तीसरे सेमेस्टर में मैं कोर्स 3 लेती हूँ, चौथे सेमेस्टर में कोर्स 4, एंड पांचवें सेमेस्टर में क्योंकि उससे पहले 3 एंड 4 कोर्सेज कंप्लीट हो गए, तो पांचवें सेमेस्टर में मैं कोर्स 5 लेती हूँ। तो मुझे टोटल सेमेस्टर्स इसमें कितने लगे, 5, राइट। बट मैं इससे मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स में भी इन सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकती हूँ। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैं कोर्स 1 को पहले सेमेस्टर में ले रही हूँ, कोर्स 2 को दूसरे सेमेस्टर में ले रही हूँ, कोर्स 3 एंड 4 क्योंकि अब 3 भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि इस पे जो डिपेंडेंट कोर्सेज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 4 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो तीसरे सेमेस्टर में मैंने ये दोनों कोर्सेज ले लिए क्योंकि मेरे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं कितने कोर्सेज एक सेमेस्टर में ले सकती हूँ। तो मैंने नंबर ऑफ कोर्सेज एक सेमेस्टर में 2 ले लिए फिलहाल के लिए। पहले मैं एक एक कोर्स ही कंप्लीट कर रही थी, अब मैंने 2 कोर्सेज कंप्लीट किए सेमेस्टर में, एंड चौथे सेमेस्टर में कोर्स नंबर 5 कंप्लीट किया। इसमें टोटल सेमेस्टर्स मुझे कितने लगे, 4, राइट। मैं इससे भी कम सेमेस्टर्स में सारे कोर्सेज कंप्लीट कर सकती हूँ। लेट्स सी दिस एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल मैंने क्या किया, 1, 2 एंड 4 किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, तो मैंने पहले सेमेस्टर में, सिंस मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ कोर्सेज का सेमेस्टर्स पे, तो मैंने पहले सेमेस्टर में 3 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, राइट। अब 3rd जिस पे डिपेंडेंट था वो सारे कोर्सेज भी कंप्लीट है, तो 3rd मैंने 2nd सेमेस्टर में कंप्लीट किया, ठीक है। 3rd कंप्लीट होते ही 5th भी फ्री हो गया, एंड आई कैन नाउ अटेम्प्ट दिस कोर्स, तो मैंने इसको तीसरे सेमेस्टर में अटेम्प्ट कर लिया। तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोर्सेज क्या आ गए, 3, मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स क्या आ गए, 3। तो क्या हम 3 से भी कम सेमेस्टर्स में सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं, नो। वाई, बिकॉज आप देख सकते हैं कि पहले सेमेस्टर में मैंने सारे जितने भी इन डिग्री 0 वाले कोर्सेज थे उनको कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड सेमेस्टर में मैं चाहती तो 3 एंड 5 दोनों को कर सकती थी, बट ऐसा हो नहीं सकता। वाई, बिकॉज 3 कंप्लीट होगा उसी के बाद 5 को अटेम्प्ट कर सकती हूँ मैं,
थ्री एंड फोर दोनों कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही फाइव को मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, बट सेकेंड सेमेस्टर में थ्री खुद अटेम्प्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट मुझे एक सेमेस्टर वेट करना पड़ेगा फॉर फाइव फॉर अटेम्प्टिंग फाइव, इसलिए थर्ड सेमेस्टर का तो आना ही पड़ेगा टू अटेम्प्ट कोर्स नंबर फाइव, राइट? सो दिस इज योर मिनिमम आंसर. अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज आपके पास एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में कुछ कोर्सेज जो है वो किसी दूसरे कोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सारे 8 डिग्री जीरो वाले जो कोर्सेज हैं उनको पहले सेमेस्टर में कंसिडर कर लूंगी, सारे 8 डिग्री जीरो वाले जो कोर्सेज हैं उनको पहले सेमेस्टर में कंसिडर कर लूंगी. तो इस एग्जांपल में 1, 2, 4 एंड 5 की इंडिग्रीज क्या है, जीरो, तो मैं इनको पहले सेमेस्टर में कंसिडर कर लूंगी, राइट? यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होगा, इसकी इंडिग्री जीरो हो जाएगी, इसकी इंडिग्री भी जीरो हो जाएगी एंड इसकी इंडिग्री वन रह जाएगी. व्हाई? बिकॉज इसका ये वाला कनेक्शन तो खत्म हो जाएगा बट अभी भी ये वाला रहेगा, राइट? तो अब नेक्स्ट स्टेज पे जिसकी इंडिग्री जीरो हुई है उन सारे को मैं क्या करूंगी, प्रीवियस सेमेस्टर से प्लस वन कर दूंगी. दैट मीन्स दे विल बी अटेम्प्टेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, दे विल बी अटेम्प्टेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, तो इनका सेमेस्टर क्या हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर, राइट? अब किस किस की इंडिग्री जीरो हो जाएगी, अब 7 एंड 8 की इंडिग्री जीरो हो जाएगी, तो इनके सेमेस्टर्स क्या हो जाएंगे, प्रीवियस का प्लस वन, तो 2 + 1 दैट इज 3, तो ये सारे थर्ड सेमेस्टर में कंसिडर होंगे, राइट? उसके बाद किसकी इंडिग्री जीरो हो जाएगी, 9 की इंडिग्री जीरो हो जाएगी एंड इसको मैं कौन से सेमेस्टर में कंसिडर करूंगी, 3 + 1 दैट इज 4, सो टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स रिक्वायर्ड बाय यू विल बी 4. ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन गिवन है. एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कोर्सेज. तो हमारे कोर्सेज वेरी किससे करेंगे, 1 से लेके n तक. एंड यहाँ पर एक रिलेशंस का वेक्टर गिवन है जिसमें सारी एजेस स्टोर्ड है. तो अब हम यहाँ पर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूज़ करेंगे एंड फॉर यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें हमारा पूरा ग्राफ स्टोर्ड हो, और एक हमारे पास इन डिग्री पता होनी चाहिए हमें हर नोड की, तो हम एक उसको भी स्टोर करेंगे. सो फॉर स्टोरिंग इन डिग्री आई एम यूजिंग मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, तो ये हर नोड की करस्पॉन्डिंग इन डिग्री स्टोर कर लेगा, राइट? इन डिग्री ऑफ ईच नोड. ओके, एंड एक वेक्टर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम क्या बता पाएंगे कि इस नोड के करस्पॉन्डिंग, जैसे 1 वाला नोड है तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे चाइल्ड नोड्स, राइट? तो इसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम स्टोर करेंगे. एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मैं साइज n+1 से डिक्लेयर करूँगी. n+1 क्यों, बिकॉज हमारा जो कोर्स लेबल्ड है वो 1 से n है, सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स. ओके, आफ्टर दिस आई जस्ट पॉपुलेट ऑल द वैल्यूज, आई इटरेट ओवर माई रिलेशंस मैट्रिक्स और रिलेशंस वेक्टर, रिलेशंस डॉट साइज i++. ओके, सो द प्रीवियस कोर्स विल बी रिलेशंस डॉट ith इंडेक्स का पहला एलिमेंट, राइट? ये मेरा प्रीवियस कोर्स है और h का नेक्स्ट कोर्स क्या है, ith इंडेक्स का सेकेंड एलिमेंट, राइट? तो अब मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या जाएगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में प्रीवियस कोर्स इंडेक्स पे मैं एक वेक्टर पुश कर दूँ, वेक्टर में पुश बैक कर दूँगी मेरा नेक्स्ट कोर्स, राइट? एंड मेरी इन डिग्री ऑफ नेक्स्ट कोर्स क्या हो जाएगी, +1. ओके, आफ्टर दिस आई हैव टू यूज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, राइट? तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए मुझे एक क्यू मेंटेन करनी होती है, सो आई डिक्लेयर दिस क्यू, और इस क्यू में मैं क्या पुश करूँगी ये मैं डिस्कस करती हूँ. तो क्यू में मेरे को क्या स्टोर करना है, तो देख सकते हैं हमको यहाँ पर क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स. तो मैं क्यू में जब पुश करती जाऊँगी तो मैं ये स्टोर भी करती जाऊँगी कि हर नोड कौन से सेमेस्टर पर अपीयर हुआ है, हर कोर्स आई डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा उसका सेमेस्टर रहा है, ठीक है? सो फॉर एवरी कोर्स द सेमेस्टर आई डी विल बी स्टोर्ड. तो मैं इसको सिंपली पेयर की तरह स्टोर करा लेती हूँ, पेयर ऑफ int कॉमा int. ओके, तो आई जस्ट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग स्टार्ट करने के लिए पहले मैं सारे नोट्स पे जाके देख लूँगी कि किन किन की इन डिग्री ज़ीरो है. सो इफ इन डिग्री ऑफ i is 0, I'll just push it into the queue.
आई मेक अ पेयर ऑफ दिस आईएथ कोर्स एंड ये कौन सा सेमेस्टर में अपियर होगा? फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में जितने भी नोट्स की इंडिग्री जीरो थी उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया, तो ये सारे कोर्सेज कौन सी सेमेस्टर में अपियर होंगे? फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट? ओके, नाउ आई जस्ट इटरेट ओवर ऑल माई एलिमेंट्स इन द क्यू. ओके, सो माई फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू विल बी पेयर ओनली, सो आई कॉल इट अ कोर्स. ओके, सो क्यू डॉट फ्रंट एंड नाउ आई पॉप इट फ्रॉम द क्यू. ओके, आफ्टर दिस कोर्स आईडी क्या हो जाएगी? कोर्स का पहला एलिमेंट, राइट? क्योंकि ये एक पेयर है और पेयर में पहला एलिमेंट हमारा क्या था? कोर्स आईडी. और दूसरा एलिमेंट क्या है? सेमेस्टर आईडी, राइट? तो इंट सेमेस्टर आईडी विल बी कोर्स डॉट सेकेंड. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पहले कोर्स पे जाते हैं, वन वाले कोर्स पे गए और उसके जितने भी एडजेसेंट नोट्स थे उसकी इंडिग्री क्या कर देते हैं? डिक्रीज बाय वन करते हैं. तो मैं इसके सारे एडजेसेंट नोट्स पे जाती हूँ. आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ दिस करंट कोर्स, कोर्स आई डी डॉट साइज आई प्लस प्लस. ओके, नाउ माई नेक्स्ट कोर्स विल बी, माई नेक्स्ट कोर्स विल बी वॉट? एडजेसेंसी ऑफ करंट कोर्स आई डी एट आईएथ इंडेक्स, राइट? दिस इज माई नेक्स्ट कोर्स. नाउ आई हैव टू डिक्रीज द नेक्स्ट कोर्स आई डी बाय वन, राइट? अगर इसकी इंडिग्री जीरो हो जाती है तो मुझे इसको क्यू में पुश करना चाहिए, राइट? बिकॉज नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे इसी को अटेम्प्ट करना चाहिए. तो अगर इसकी इंडिग्री जीरो हो गई तो मुझे क्यू में पुश करना चाहिए. अब मुझे क्यू में क्या पुश करना चाहिए? पेयर पुश करना है ऑफ द नेक्स्ट कोर्स कॉमा, नेक्स्ट कोर्स कॉमा सेमेस्टर आईडी. तो जो मेरा ये नेक्स्ट कोर्स है इसकी सेमेस्टर आईडी क्या होगी? जो इसका प्रीवियस कोर्स होगा उसके बाद ही अटेम्प्ट होना है. तो सेमेस्टर आईडी ऑफ द प्रीवियस कोर्स प्लस वन. जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मैंने वन को क्यू में पुश किया और ये फर्स्ट सेमेस्टर में अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है? फिर वन के एडजेसेंट नोट्स पे गए, थ्री पे गए, तो थ्री पे देखा कि यार अगर वन इसके पहले सेमेस्टर पे अटेम्प्ट हो रहा है तो वन के बाद ही इसको अटेम्प्ट करना है. तो इसको कौन से कोर्स, इसको इसकी कोर्स आईडी क्या होगी? तो इसकी सेमेस्टर आईडी क्या होगी? टू. ओके, तो इसमें सेमेस्टर आईडी प्लस वन, पेरेंट की जो सेमेस्टर आईडी होगी उसमें प्लस वन, राइट? एट द एंड आपका लास्ट एलिमेंट की जो सेमेस्टर आईडी होगी वही आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, राइट? So I'll just declare it above in semester ID. अगर आपकी क्यू कभी चलती नहीं है तो आपको कितने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं? जीरो. इसलिए मैंने इसको इनिशलाइज किया है जीरो से. अब एक चीज़ है, अगर मान लीजिए आपकी ऐसी साइकिल आ जाती है तो कुछ कोर्सेज होंगे जिनको आप विजिट नहीं कर पाएंगे, राइट? टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो साइकिल के लिए हम क्या करते हैं, काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं. और अगर काउंट आपके टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज के बराबर नहीं है, दैट मीन्स साइकिल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है. इफ़ काउंट इज़ नॉट इक्वल्स टू एन, मतलब आप सारे कोर्सेज को विजिट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है. और इस केस में हमको क्या रिटर्न करना है? माइनस वन. ओके, यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, साइकिल एग्जिस्ट. ओके ओके, वन मिस्टेक हेयर इज दैट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम जीरो वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम वन. वाई? बिकॉज रेंज किससे? वन से लेकर एन तक है. कोर्सेज की रेंज किससे? वन से लेकर एन तक, इसीलिए. नाउ लेट अस रन इट. ओके, लेट अस सबमिट इट.